नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मैं तुझसे दूर ही कब था, मैं तुझसे दूर ही कब था, बस जरा सी देर हो गई आने में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, जो आपका फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, तो बहुत से मतलब लड़कियों को एक कमेंट आ रहे थे, सर आप मतलब क्या लड़कों लड़कों को ही पढ़ाते हो क्या? अरे बच्चों, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम तो सदैव है ना आपके लिए तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर थे। कुछ मैसेज ये भी आए थे, सर आप तो बेवफा हो। अरे बेवफा नहीं है, ठीक है, तो वही गाली वाली बात है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कल सारा दिन बच्चों तबीयत खराब थी, इसलिए फीमेल सुपरवाइजर के बारे में कुछ डाल नहीं पाया। लेकिन ना, जितने हमारे लिए लड़के अहमियत रखते हैं, उतनी ही हमारे लिए हमारी बेटियां या लड़कियां अहमियत रखती है। तो बच्चों शेयर जरूर करिएगा। आज हम है ना मतलब महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है, मेन मेन है ना, ये मंत्रालय किस किस के पास रहेंगे? एक तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा सीएम पूछा जाएगा। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे हमारे सीएम? मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि सीएम से तो क्वेश्चन उठता ही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल का जो मेन अधिकारी होता है वो सीएम होता है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस बार किसके अधीन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना इस बार है ना हमारे कमलेश धांडा के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास संबंधी मंत्री कमलेश धांडा जी रहेगी। और बच्चों आज वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में को रिलेट होकर आए हुए हैं। केवल वही, जैसे है ना महिलाओं से संबंधित दहेज प्रथा अधिनियम पूछा जाएगा, कब आया था? सती प्रथा अधिनियम कब आया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? तो वो क्वेश्चन है ना उनसे डायरेक्ट, वो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आएंगे बच्चों। वो अधिनियम की धाराओं से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो कमलेश ढांडा है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? कलायत केथल रहेगा। और एक इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा बच्चों? कमलेश ढांडा जी के पास है ना एक डिपार्टमेंट और है, अभिलेखाकार। अभिलेखाकार मंत्रालय भी किसके पास है? कमलेश ढांडा। इसी प्रकार बच्चों आपसे पूछा जा सकता है महिला एवं बाल विकास का जो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, जो असिस्टेंट जो आपका चीफ कमिश्नर कौन है? तो वो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी अमित झा। असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी कौन रहेगा? अमित झा रहेगा। असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा बच्चों? अमित झा के पास रहेगा। देखो महिलाओं से संबंधित डिपार्टमेंट है और इसमें असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी कौन है? अमित झा। और इसका ना डायरेक्टर जनरल महानिदेशक भी पूछी जा सकती है, रेणु, ये भी आ सकता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? रेणु है। महिला एवं बाल विकास की डायरेक्टर जनरल कौन रहेगी बच्चों? डायरेक्टर जनरल पूछी जा सकती है। तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेगी? रेणु रहेगी। कौन रहेगी बच्चों? डायरेक्टर जनरल कौन रहेगी? रेणु रहेगी। चार ये डिपार्टमेंट आपको याद करने हैं। कमलेश ढांडा वाला क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। और असिस्टेंट जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन रहेंगे बच्चों? ये झा साहब रहेंगे, अमित झा। और जो महानिदेशक डायरेक्टर जो जनरल कौन रहेगी वो कौन रहेगी? रेनू रहेगी। ठीक है, तो अब बच्चों कुछ है ना एक्ट से संबंधित क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे एक एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि सती निवारण अधिनियम कब आया था? तो सती निवारण अधिनियम 1981 में आया था। कौन सा अधिनियम था बच्चों? सती निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम। सती निवारण निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम। ये बच्चों 1987 में, 81 नहीं, 1987 में कौन सा अधिनियम आया था? सती निवारण अधिनियम आया था। वैसे तो बच्चों सती प्रथा पर ना रोक किसने लगाई ये भी आ सकता है, लेकिन अधिनियम तो बाद में बना था ना। सती प्रथा पर तो रोक लगा दी थी आपने, सुना होगा बच्चों, विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। कब लगाई थी? 1829 में। और किस भारतीय के साथ मिलकर बच्चों? राजा राम
मोहन रॉय के साथ मिलकर लगाई थी। किसके साथ मिलकर लगाई थी? राजा राम मोहन रॉय के साथ 1829 में सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या कर दिया था? निषेध घोषित करवा दिया था। लेकिन ये अधिनियम कब आया था? 1987 में। इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि आप किसी औरत को ना सती करने के लिए क्या नहीं कर सकते, सती करने के लिए क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कोई औरत है ना बच्चों, अगर विधवा हो जाए ना, विधवा हो जाए तो उसको ना आप क्या नहीं कर सकते, सती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई महिला है ना जबरदस्ती सती होने का प्रयास भी करती है ना, तो भी कहते हैं इसको आजीवन कारावास है मिलेगा, या उसको सती करवाने का जो प्रयास करता है, उसको प्रेरित करता है, उसको भी आजीवन कारावास है मिलेगा। तो सती निवारण अधिनियम आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कब आया था? 1987 में आया था। आपके टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और एग्जाम से पहले बच्चों मैं ना कम से कम 7-8 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड डाल दूंगा, तो आपका ना डेफिनेटली बच्चों, मैं नहीं कहता क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, लेकिन ना अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं ना, पक्के आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? तो घरेलू हिंसा अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों कब आया था? 2005 में। कौन सा अधिनियम आया था? घरेलू हिंसा अधिनियम आया था। इस हिंसा में क्या होता है कि कोई भी है ना महिला को ना, मतलब घर में ना उसके साथ प्रताड़ित नहीं कर सकता, उसको ना मतलब किसी भी चीज के लिए ना घर में उसके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। तो घरेलू हिंसा अधिनियम ये बच्चों बहुत से एग्जामों में आया ये क्वेश्चन ना, मतलब आप मान के सकते हो फीमेल सुपरवाइजर का ना आई लव यू क्वेश्चन है, हर एग्जाम से कनेक्ट होता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में। और इसमें ना महिला के साथ आप झगड़ा नहीं कर सकते, महिला को आप गाली नहीं दे सकते, उसको हम ना कोई काम ना करने पर आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते। तो इस कदम अगर आप करते हो ना, तो आपको इसमें जेल भी हो सकती है। तो आपको याद करना है डायरेक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम प्यारे बच्चों कब आया था? 2005 में। इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है दहेज अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था दहेज अधिनियम कब आया था? तो दहेज अधिनियम 1961 में आया था। कब आया था बच्चों? 1961 में आया था। और इसमें ना वैसे बच्चों ये ड्योरी सिस्टम है, इसको कहा गया कि बच्चों मतलब कोई भी है ना, मतलब क्या नहीं मांगेगा, किसी से दहेज नहीं मांगेगा, ना तो दहेज लेगा और ना दहेज देगा। इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि इसमें ना दहेज लेने और देने पर कितने साल की सजा हो सकती है? 5 साल की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। लेकिन ना इसमें ये भी कहा गया कि बेटी को ना, बेटी को या वधू को जो उसके पापा है ना, वो बच्चों गिफ्ट के तौर पर कोई भी चीज देते हैं ना, वो क्या नहीं होगी? दहेज नहीं होगी। अगर सोचने वाली बात है बच्चों, अरे वो गिफ्ट ही तो दहेज होता है ना। और ये कहते हैं कोई अगर वधू को प्यार से देगा तो वो क्या नहीं होगा? दहेज नहीं होगा। अगर ये ना काट दिया जाए, यहां तो बच्चों आधी अधूरी बातें क्यों रखते हो, करना है तो पूरा करो, जो भी करो बेहिसाब करो, चाहे प्यार करो या तकरार करो, जो भी करना है ना एक तरफा करना चाहिए। एक तरफ तो कह दिया 5 साल की सजा होगी दहेज लेने पर, और दूसरी तरफ कंडीशन लगा दी कि अगर है ना बेटी को प्यार के रूप में कोई गिफ्ट दिया जाएगा तो वो क्या नहीं होगा? दहेज नहीं होगा। देखो कैसे कैसे चीजें होती है। और दूसरा कहते हैं कि जो है ना मतलब लड़का है ना उसको ना, या वधु को, वर को, लड़का को या वर को कोई चीज है ना शादी में दी जाती है ना गिफ्ट के रूप में, वो भी किस में काउंट नहीं होगी? दहेज में काउंट नहीं होगी। इसी का लोग फायदा उठाते हैं, और जब पुलिस आ जाती है ना, कहते हैं इन्होंने तो हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। अरे गिफ्ट के रूप में नहीं दिया है, मांग कर लिया है। आज क्या होता है, जितनी बड़ी पोस्ट पर लड़का होता है ना, दहेज की ना डिमांड उतनी ज्यादा हो जाती है। मैं तो कहता हूं बच्चों, हमें है ना
ये दहेज प्रथा अगर समाज से खत्म हो जाए ना तो कोई भी बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं मानेगा। तो हमें बच्चों एक इंसान से ये चीजें नहीं होगी, हम सबको युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा कि ना तो दहेज हम देंगे और ना लेंगे। परिवर्तन एक से होगा बच्चों, एक दिन नहीं, एक जरूर एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन जरूर एक दिन ये परिवर्तन हमें ला सकते हैं। तो दहेज प्रथा अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, सती निवारण अधिनियम 1987 में। ये अधिनियम बच्चों डिट्टो पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इनसे, कि फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। एक बच्चों आपसे पूछा जा सकता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? तो ये बच्चों बाल विवाह निषेध अधिनियम है ना 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में आया था। वैसे ना 2006 को ना हमने किसके रूप में मनाया था मेरे प्यारे लाडलो? बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। हमने 2006 को किसके रूप में मनाया था? तो हमने 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठेगा, हमने 2006 को किस वर्ष के रूप में मनाया था? बालिका वर्ष के रूप में हमने किसको मनाया था? 2006 को बनाया था। तो ये भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। बाल विवाह निषेध नियम, इसमें क्या होता है? पहले है ना छोटी उम्र में क्या कर दी जाती थी शादी, लड़के की एज है ना बच्चों पहले के टाइम में, पुराने के टाइम में ना लड़के की एज मतलब 7 साल होती थी, लड़की की एज 5 साल होती थी और दोनों की शादी कर दी जाती थी। अब उनको शादी का मतलब ही नहीं पता है, फेरे ले रहे हैं और एक हाथ से नाक साफ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है फीलिंग क्या होती है शादी की, वही उनको पता नहीं है। तो पुराने टाइम में बाल विवाह हुआ करता था, इस पर राजा राम मोहन रॉय ने आवाज उठाई थी। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस की मैं बधाई देता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस मुद्दे पर क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। तो बहुत से समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, इन्होंने भी आवाज उठाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी आवाज उठाई थी। लेकिन ना इसको निषेध अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। और आजकल ना बच्चों शादी है ना किसके चक्कर में हो जाती है? जो हमारी दादी और नानी होती है ना, या दादा होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मेरे को मरने से पहले अपने पोती या पोते का विवाह देखना है। तो उसके चक्कर में ना हमारे जो पीढ़ी है ना वो नरक में चली जाती है। तो उनको तो वो तो चले जाते हैं और अगली पीढ़ी नरक में धकेल दी जाती है। तो बच्चों हमें है ना मतलब शादी जब भी करो ना तो एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों, ये अधिनियम याद कर लेना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग है ये कब से काम कर रहा है? तो 10 फरवरी 1992 से काम कर रहा है। 10 फरवरी 1992 से महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं, ये तारीख याद करना, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग कब से काम कर रहा है? तो 10 फरवरी 1992 से महिला एवं बाल विकास विभाग काम कर रहा है। 10 फरवरी 1992 से ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और बच्चों ये किसके साथ, ये किसके लिए काम करता है? महिलाओं की और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए, महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहा है। और इस काम में इनका साथ कौन दे रही है बच्चों? सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां भी इनका साथ दे रही है, गैर सरकारी एजेंसियां भी साथ दे रही है। जैसे यूनिसेफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सारी है ना बच्चों महिलाओं और एवं बाल विकास मंत्रालय का क्या देती है? साथ देती है। ये कैसा एजेंसी है? नोडल एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? नोडल एजेंसी है, जो महिला एवं बाल विकास यानी महिलाओं और बच्चों को ना आगे बढ़ाने का क्या कर रही है बच्चों? काम है, कर रही है। ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा बाल, महिला एवं बाल विकास है ना किसके प्रति जवाबदेह होगा बच्चों? ये हरियाणा राज्य महिला आयोग और हरियाणा विकास निगम, ये क्या है, इसके लिए जिम्मेवार होगा। यानी महिलाओं के लिए कौन कौन से बोर्ड जिम्मेवार होंगे? हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा विकास निगम, हरियाणा राज्य महिला आयोग है
और हरियाणा विकास निगम, हरियाणा हरियाणा विकास निगम, हरियाणा विकास निगम, ये सभी है ना बच्चों डिपार्टमेंट किसके प्रति जवाबदेह है? महिला एवं बाल विकास, यानी ये सभी हरियाणा राज्य महिला आयोग हो गया और हरियाणा विकास निगम है, ये सभी किसकी मदद करेंगे? महिला एवं बाल विकास की क्या करने वाले हैं बच्चों? मदद करने वाले हैं। और हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड भी क्या करेगा इस डिपार्टमेंट की क्या करेगा? सहायता करेगा। तो मतलब एक से महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक इंसान के तो बस की बात नहीं है, सभी साथ मिलेंगे तो इसका क्या कर सकते हैं काम है, मतलब आसान कर सकते हैं। अब बच्चों इसके उद्देश्य भी पूछे जाएंगे कि क्या उद्देश्य है, तो बच्चों इसके ना जैसे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होते हैं ना, आंगनवाड़ियों के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इनके उद्देश्य क्या होते हैं बच्चों? इनके उद्देश्य होते हैं कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं ना उनको ना बच्चों कौन सी शिक्षा देना, स्कूल से पहले की क्या देना शिक्षा, 6 वर्ष से कम के बच्चों का पोषण करना और गैर औपचारिक स्कूली शिक्षा देना, 6 वर्ष से कम के बच्चों को, बच्चों को पोषण देना, कौन सा देना बच्चों? पोषण देना। आंगनवाड़ी में देखा होगा बच्चों 6 वर्ष से कम के बच्चों को ना वहां पर पौष्टिक आहार दिया जाता है और उनके खेलने के लिए ना बच्चों बच्चों को खेल प्ले वे मेथड उनको ना मतलब आंगनवाड़ी में ना प्ले वे मेथड से सिखाया जाता है। प्रारंभ में ना उनको गैर औपचारिक, एक तो होती है औपचारिक और एक होती है गैर औपचारिक। औपचारिक होती है मतलब जो टीचर्स वगैरह से, और इनको गैर औपचारिक जो आंगनवाड़ी की महिलाएं देती है, तो गैर औपचारिक क्या दी जाती है इनको बच्चों? शिक्षा दी जाती है, ठीक है, और बच्चों को ये जागरूक करती है और माताओं को जागरूक करती है। ये किसको जागरूक करती है? बच्चों को जागरूक करने का काम करती है और बच्चों की माताओं को कि भी आप भी ना आंगनवाड़ी वगैरह में अपने बच्चे भेजो, आपके बच्चे क्या है सुरक्षित है और उनका मतलब हर वे से हम उनको विटामिन पूर्व जो संपूर्ण विटामिन वाला क्या दिया जाता है भोजन दिया जाता है। और इसमें कहा गया किशोरी है ना को सशक्त बनाना 11 से 18 वर्ष तक, किशोरी की को एज कितनी होती है 11 से 18 वर्ष, उनको सशक्त बनाना भी इस डिपार्टमेंट का क्या होता है उद्देश्य होता है। यानी उनके दिमाग से ना डर खत्म करना कि आपको ना कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत में क्या होता है बच्चों महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज भी महिलाएं रात को अकेली नहीं जा सकती और बच्चों पता नहीं किस चौराहे पर ना कोई भेड़िया उस पर नजर गड़ाई बैठा है। और मैं तो ये कहता हूं जिसके घर शीशे के बने हो ना उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप किसी की बहन और बेटी के साथ है ना बुरा बर्ताव करते हो ना, तो ये सोचकर करना कि घर में मेरे भी बहन बेटी है, हमारे भी घर शीशे के बने होते हैं, कोई पत्थर वहां से यहां आ गया तो हम पर क्या बीतेगी। कोई भी बच्चों अगर बुरा काम करो ना तो ये सोचना कि अगर मेरे साथ ऐसा काम होता तो मेरे पर क्या बीतती। और जिस दिन आपकी ये सोचन शक्ति विकसित हो जाएगी ना बच्चों, आप में नेगेटिव ख्याल है ना अपने आप है दूर हो जाएंगे। और जिस दिन ना हरियाणा या पूरे भारत की महिला है ना रात को अकेली सड़कों पर सुरक्षित निकलने लग जाएगी ना, उस दिन ना देख लेना बच्चों एक बड़ा बदलाव होगा। और उस बदलाव को ना हम कर सकते हैं बच्चों, हम सब मिलकर ना ऐसी मेंटलिटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां बच्चों ना तो कभी बोझ थी ना बोझ है। गालिब अक्सर कहा करते थे मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। तो हमें बेटियों को बोझ नहीं मानना चाहिए, बेटी है तो संसार है, लड़का तो एक घर का चिराग है, बेटियां तो दो दो घर को रोशन करने वाली होती है। तो बच्चों इनका उद्देश्य होता है कि महिलाओं में ना ऐसी भावना विकसित करना लड़कियों में, ताकि उनको लगे कि वो सशक्त है, उनका भी भारत में बड़ा रोल है। बच्चों मेरे को ना आज भी जैसे 2016 का ओलंपिक याद आता है, जब सारा भारतवर्ष है ना मेडल के लिए लड़कों की ओर देख रहा था और मेडल लेकर आई थी दो लड़कियां, तो क्या अगर वो दो लड़की भारत में ना जन्मी होती तो भारतीय इतिहास का ये सबसे
काला ओलंपिक होता। तो मैं तो कहता हूं बेटियों को कभी बोझ हमें मानना ही नहीं चाहिए, बेटियों के बगैर बच्चों हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें है ना बच्चों, ये आपके सारा का सारा एक्ट है ना, मैं 7-8 वीडियो और डाल दूंगा, क्योंकि है ना हम जितना प्यार है ना, आप कहते हो लड़कों से बहुत प्यार, जितना प्यार बच्चों हम लड़कों से करते हैं ना, इतना प्यार इस चैनल पर लड़कियों, क्योंकि मेरे चैनल का आप एनालिटिक उठाकर देखना, वॉचिंग है ना आप 59% लड़के वॉचिंग करते हैं और 41% लड़कियां चैनल को वॉचिंग करती है, तो इतना शायद ही किसी चैनल पर लड़कियों की वॉचिंग होगी। तो जितना प्यार है ना आपने हमें दिया है बच्चों, उसका ना कतरा कतरा अगर जीवन रहा ना, वो हम लौटाने का काम करेंगे। हम आपके लिए तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर या प्रदीप सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना काम तो आप सभी बच्चों कर सकते हो। तो ये महिलाओं के लिए विशेष ये हमने सीरीज स्टार्ट की है, फीमेल सुपरवाइजर के लिए। ये हम आगे बच्चों जैसे आपका स्टाफ नर्स का पेपर है, उससे संबंधित लेब अटेंडेंट से संबंधित सारी की सारी चीजें हमें डालेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी और आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।